ये इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, यहाँ पे जो कस्टमर आपका बाहर से आता है उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हो आप, ये घटिया किस्म का। एक तो बड़ी उम्मीद है कि ये जो ब्रिज है ये म्यूजियम में रखा जाएगा अनकरीब ही। अच्छा। तो इसको मजीद कुछ अरसे और लगेंगे, कुछ सदियाँ लग जाएंगी। और वाह, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। बात ऐसे है कि ये वीडियो जो है ना बहुत गुस्से में बना रहे हैं, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो जो है ना ये पूरी ज़रूर देखिएगा। मोटरसाइकिल गुजार ज़रा पहले ये वीडियो जो है ये पूरी ज़रूर देखिएगा। हम एक्सपोज करने लगे हैं सियालकोट में जो रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसकी जो बुरी हालत है। कहने को ये जनाब ये क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल सिटी है, और यहाँ पे रोड्स की हालत जो है वो माशाल्लाह किस बेगैरती का शिकार है। मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ गुस्से में, ये आपने देखना है। और इसके पीछे कौन से जीनियस माइंड रखने वाले लोग हैं जो इस सारी चीज़ को हैंडल करते हैं, ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, और जितना हो सकता है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हम आपको टाइम वेस्ट किए बगैर ये ज़रा लेके चलते आपको दिखाते हैं। अदील साहब, ये कश्मीर के पहाड़ है, क्या है ये? बट साहब ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रहा है सियालकोट में कश्मीर का जो पहाड़ है। जो लोग नहीं जा सकते आज़ाद कश्मीर, तो वो लोग यहाँ पे मार्टर टाउन आ जाए, हाँ। हादमी रोड पे, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये पहाड़ है साथ, और सारी देखे जनाब दरिया भी चल रहा है ये जनाब दरिया चल रहा है ये, और क्या कहते हैं ये पहाड़ यहाँ पे जनाब। असल में मसला ये है कि ये रोड कनेक्ट करता है कश्मीर रोड को, कश्मीर रोड को कनेक्ट करता है ना, तो कश्मीर रोड को जनाब खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने पहले से यहाँ पे पहाड़ बना दिया ना, कि पहाड़ नजर आए यहाँ पे, ठीक हो गया। तो दिल साहब वही मैं बात कर रहा था उन लोगों से कि ये रोड है जो हादमली रोड, हाँ। ये कनेक्ट करता है कश्मीर रोड को, हाँ जी। तो कश्मीर रोड जो है वो डेफिनेटली कश्मीर का ताल्लुक जो है, जब आप कश्मीर का नाम सुनते हैं तो पहाड़ आपके जहन में आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जनाब ये थोड़े से पहाड़ वगैरह बनाए ताकि कोई कश्मीर रोड के लिए अगर किसी ने ट्रैवल करना तो उसको पहाड़ों की फील आना शुरू हो जाए जरा। तो जनाब इस वक्त पहाड़ों में मौजूद है, पहाड़ों में मौजूद है। तो ये हादमली रोड को क्रॉस करना भी है जनाब। तो बट साहब ये कब से स्टार्ट हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं कितना टाइम हो गया इनको? ये स्टार्ट हुआ है, ये काफी टाइम से स्टार्ट हुआ है, ये हादमली रोड इन्होंने खोद दिया हुआ है सारा, बल्कि एक ही टाइम पे इन्होंने पूरा शहर खोद दिया हुआ है। यार मैं मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकता यहाँ पे लोगों, ये देखें लोग किस तरह जा रहे हैं, ये लोग देखें इसके अल्टरनेट रास्ते में आप जिधर भी जाओगे पूरे सियालकोट में आपको हर वक्त ट्रैफिक जाम मिलेगा। आज हमने संडे का दिन डिसाइड किया है ताकि हम उस रश से बच जाएं। तो पूरे लोगों को फिर भी पहाड़ियों से होते हुए गुजरना पड़ेगा, पहाड़ियों से होते हुए गुजरना पड़ेगा लोगों को। जनाब ये देखें किस तरीके से जा रही है बाइक से, ये यहाँ पे खाई पे गिरने का भी खतरा हो सकता है। और ये जनाब ये हादमली रोड के हालात हैं। तो हमें तो यही लगा कि जनाब ये कश्मीर रोड को क्यों कनेक्ट कर रहा है तो पहाड़ों का, तो ऐसा नहीं कर सकते एक टाइम पे एक रोड को करें तो उसको कंप्लीट करके फिर दूसरा रोड स्टार्ट करें। सर इसमें फिर मैं यही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का जो टाइम है वो शायद खत्म होने वाला है, तो ये एफिशिएंसी दिखाते हुए एक टाइम पे पूरा शहर आपने खोद दिया है तो ट्रैफिक जो है उसका तबाही हो गई है। पहले सियालकोट में माशाल्लाह जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, आगे से जिस तरीके से आपने चौक बंद किए होते हैं वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं, उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि आपने ये हरकत कर दी। एक उसको ठीक करे दोबारा, उसके बाद दूसरी रोड शुरू करे, आपने पूरा शहर एक ही टाइम पे खोद दिया है और पूरे शहर में ट्रैफिक की ये हालत होती है, क्योंकि एम्बुलेंस फंस जाए तो वो निकल नहीं सकती यहाँ पे, यहाँ से कहाँ से जाएगा। तो मेरा ख्याल है दिल साहब यहाँ से पहाड़ों को क्रॉस करने की कोशिश करें, जरा आगे निकले जरा। वाह चल, व्यूअर्स इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं कोटली बहराम में, और यहाँ पे आके इंकशाफ हुआ कि यहाँ पे भी सामने हम मशीन देख रहे हैं, यहाँ पे भी खुदाई शुरू कर दिया, पता नहीं शहर को शायद उन्होंने वीनस बनाना है, वीनस बनाने का ना, वीनस देखा ना आपने? बट साहब वीनस नहीं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इतनी खुदाई करके क्या यहाँ से इन्होंने सोना निकालना है कि हर सड़क से देख रहे हैं क्या काम है? ये लोग वीनस बना रहे हैं, वीनस है ना वो इटली का,
वो सिटी है जिसके हर तरफ पानी पानी है। तो ये सामने कश्मीर रोड है, ये भी सारा खोद दिया हुआ है, यहाँ पे भी हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक होती है। और आज मैंने जैसा कि आपको बोला संडे का दिन था, संडे का दिन चूज़ किया था कि हम ट्रैफिक में ना फंसे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम भाई जान, ये क्या साहब है, जरा परेशानी हो रही है आपको खुदाई से? परेशानी है भाई, लांघने बंदा अकेले भी नहीं लांघ सकता, ट्रैफिक जाम हो रही है, सुबह का जलील हो रहे हैं, हम इधर ही खड़े हो गए, क्या कर रहे हैं ये, क्या ये जनाब 24/7 ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। और एक और मैं आपको बताऊँ, ये सियालकोट की जो जीनियस आवाम है उसकी एक चीज़ आपको मैं दिखाने को बड़ी मजे की, जो कि आपको पूरी दुनिया में नजर नहीं आएगी। अच्छा मजे की एक रोड है ये, ये गोदपुर की तरफ जाती है, ठीक है, एक कश्मीर रोड का एक ये हिस्सा और हाँ हाँ जी, और एक इस तरफ, ठीक है, और हादम अली रोड, ये है जनाब चारों साइड पे रोड। चारों साइड का पे रोड का क्या मतलब होता है? चौक। चौक में क्या होते हैं? सिग्नल्स। ये किसी जीनियस ने ये देखे कैसे रोड बंद किया बीच में से, ये लोग भी खड़े हो गए आप देख रहे हैं, ये किसी जीनियस ने क्या किया है कि ये इसको यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया है। वो पीछे अलामा इकबाल भी खड़े होकर देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है। चारों तरफ जब रोड होता है, एक ये रोड, एक ये रोड, एक ये रोड और ये एक ये रोड, चारों तरफ रोड का मकसद होता है यहाँ पे इशारे लगने चाहिए, यहाँ पे सिग्नल्स, ये सिग्नल्स पुराने सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन किसी जीनियस ने क्या किया है कि इस रोड को बीच में से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग कह रहे हैं कि जनाब हम लोग यहाँ पे ड्यूटीज नहीं दे सकते, यहाँ से आगे से यू टर्न बना गए, यानी कि वहाँ पे जब यू टर्न बनाती है हैवी ट्रैफिक और कंजस्टेड होती है और 24/7 वहाँ पे रश रहता है, यानी कि जिसने गोहपुर वाली साइड पे जाना है वो उधर से जाके यू टर्न बनाए और वहाँ पे हैवी ट्रैफिक फंसती है, छोटी ट्रैफिक फंसती है और क्या होता है जनाब, रश होता है। ये कोई जीनियस दिमाग है सियालकोट में दिल साहब, हर जगह भी यही है, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी इस पर मुलव्वस है, तो वो अपना अपनी ड्यूटी नहीं उस तरह से दे पा रही, तो उन्होंने अपनी जान छुड़वाने के लिए ये सारा काम किया हुआ है मेरे ख्याल से। अब ये देख लें आप सर, ये चारों तरफ रोड है, यहाँ पे सिग्नल होना चाहिए, लेकिन सियालकोट में जिधर भी चारों तरफ ऐसे रोड है, हर तरफ आपको जनाब ये सड़क यहाँ से पक्की बंद नजर आएगी और वो कहेंगे जनाब ऊपर से यू टर्न बना के आए, मतलब ऐसे जीनियस लोग हैं, ऐसा जीनियस निजाम, ऐसा कोई जीनियस माइंड है इस इंफ्रास्ट्रक्चर सब रोड बंद करके जो पुलिस वाले ट्रैफिक वार्डन है हमारे वो ड्यूटी नहीं दे, मोबाइल यूज कर रहे होते। ये जनाब आपको ये शाहकार एक सियालकोट का, ये इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है, यहाँ पे जो कस्टमर आपका बाहर से आता है उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हो आप, ये घटिया किस्म का, एक तरफ आप दरिया निकाल रहे हो पूरा शहर, चलो आप अच्छी अच्छी बात है यार आप खोदो यहाँ पे खोदो, एक एक वक्त में खत्म होती है चीज, एक सड़क ठीक होती है फिर उसको दूसरा निकास का इंतजाम कर रहे हो, दूसरी खोदो, पूरा शहर एक ही टाइम पे आपने खोद दिया और पूरे के पूरे शहर का बड़गड़ कर दिया है, शायद हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है, वो कह रहे जल्दी जल्दी काम कर ले, और ये सड़क बनानी भी किसी ने नहीं है बाद में, ऐसा ही है, तो ये सीन है सर। अब इनको दूसरी मारी आगे भी एक रोड है और बड़े बड़े शाहकार है सियालकोट के, वो दिखाते हैं, वो दिखाते हैं आज। यह अब हम लोग कश्मीर रोड की तरफ चल पड़े हैं और ये देखिए जरा, ये इस वक्त रश नहीं है, ये इसलिए हम यहाँ पे आसानी से घुस रहे हैं, पूरी की पूरी रोड खोद दी हुई है और यहाँ पे किले धरने की जगह नहीं होती, हर वक्त लोग ऑफिस से लेट, बच्चे स्कूलों से लेट, एम्बुलेंसेज जो है वो रश में फंसी होती हैं, और यहाँ से यू टर्न बना के जाना पड़ेगा सबको, जबकि वो चौक है, फिर चौक उन्होंने पक्का बंद कर दिया हुआ है, और यहाँ से यू टर्न बना के जाना पड़ेगा सबको, बड़ी ट्रैफिक हो छोटी ट्रैफिक हो सबको इधर से जाना पड़ेगा। ये है जी तमाशा सियालकोट का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है माशाल्लाह, जो इंडस्ट्रियल सिटी है। तो आगे आके आपको मजीद शाहकार दिखा रहे हैं, जरा हम जा रहे हैं जरा चाइना चौक की तरफ, जिस शाहकार की मैं बात कर रहा था उस शाहकार के पास हम पहुंच चुके हैं, ये आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं शाहपुरा रोड पे मौजूद हूं, और ये माशाल्लाह ये शाहकार है। तो अदील साहब कई साल हो गए हैं इस ब्रिज को शुरू हुए, हाँ जी, तो बड़ी उम्मीद है कि ये जो ब्रिज है ये म्यूजियम में रखा जाएगा इन करीब ही। अच्छा। तो इसको मजीद कुछ अरसे और लगेंगे, कुछ सदियां लग जाएंगी, और क्या साल आप कहते हैं इसको लगेंगे और? उम्मीद की जा सकती है जिस रफ्तार से काम हो रहा है ना। अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो ब्रिज है ना ये अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद ब्रिज है, ये देखिए जरा, ये छोटी सी ब्रिज ही है जो यहाँ से शुरू होती है और थोड़ा सा आगे जाके चौक में दूसरा वो उतर जाती है, मतलब अगर ये ना भी बनाते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये कई साल से यहाँ पे स्टार्ट है, और ये ऊपर से देखिए जरा,
मेरा ख्याल है अधीर साहब ये छतरी बनाने के काम आएगा। मेरे ऐसे तरपाल वगैरह डाल दिया जाए तो धूप से भी बच सकते हैं तो बारिश से भी बच सकते हैं। यानी कि ये ब्रिज के ऊपर गाड़ियां नहीं चलनी, नहीं, इसमें यानी के ऊपर कोई तरपाल वगैरह कोई छतरी वगैरह ये छतरी टाइप इसको बना लिया जाए, ये धूप से बचने के लिए ही बनाया गया है। ये धूप से बचने के लिए बनाया, दिखे ना ये बिल्कुल तैयार है। ये ऊपर से ये देखे, ये ऊपर से ऐसे है, देखे इसके ऊपर अगर तरपाल या कोई ऐसी चीज लगा दी जाए तो ये बिल्कुल छांव का काम करेगा और शहरियों के लिए तो बहुत बड़ी ये नेमत है और रहमत भी है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये जहमत है, ये जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं ये इस वक्त मैं वही बात है दिल साहब कि मैंने जो है संडे का दिन चूज किया है ताकि हम रश से बच सकें और वीडियो अच्छी तरीके से बना सकें, नहीं तो इन इलाकों में संडे में भी उतना ही रश है, भी रश है। लेकिन यहाँ पे तिले धरने की जगह नहीं होती, ये हर वक्त ब्लॉक होता है। यहाँ पे कपड़ा मार्केट है, बिजनेस जितना भी हो रहा है सियालकोट का इस रोड से बहुत रिलेटेड है। और दूसरा यहाँ पे जी ये वर्कशॉप है, सारी गाड़ियों की वर्कशॉप, उनका तो रश यहाँ पे लगा ही रहता है और उसको ये लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ऐसे। ये मेरा ख्याल है वो ही बात है कि पुराने मंसूबे पूरे किए नहीं है तो आगे से और नए, यानी पूरा शहर खोदना शुरू कर दिया है और ये जो पुराने मंसूबे होते हैं उनको पूरे करते नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे इन सियालकोट की जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पीछे कौन सा जीनियस दिमाग काम कर रहा है। चौकों का अजीब हाल है, चौकों की आपको हालत दिखाई है, ये पुल दिखाया आपको, उसके बाद पूरा शहर जितनी भी बाउंड्रियां हैं सियालकोट की वो खोदना शुरू कर दी है, पूरा नहीं दिखा सकते अभी कुछ आपको। तो ये आपको ये कुछ चीज़ें आपको सियालकोट की दिखाई हैं जो कि सियालकोट का जो माशाल्लाह इसको इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है पूरी दुनिया में। जब हम काम करते हैं, जब किसी से डीलिंग करते हैं बाहर के कस्टमर्स के साथ, जब उनको हम कहते हैं हम सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनमें एक एतमाद डेवलप होता है। तो सियालकोट में जब वो आते हैं तो उनको ये चीज़ें हमने दिखानी है, ये कूड़ादान आपने सियालकोट को बना दिया है, पूरे सियालकोट की बाउंड्रीज आपने खोद दी हैं। ओ भाई ठीक है खोदो, निकास का इंतजाम करो, लेकिन एक टाइम पे एक रोड करो, जब वो कंप्लीट होती है उसके बाद दूसरा शुरू करो ताकि लोगों को मसले मसाइल ना हो। ये इस इलाके के लोग हैं, जिस इलाके में आपने खोदा हुआ है उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं, लोगों के इस इलाके में लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं। सियालकोट की जो इंडस्ट्री है उसकी माँ बहन आप लोगों ने कर दी हुई है। ये इसका कोई अगर कोई जवाब देने वाला है तो प्लीज़ दे दे, अगर कमेंट्स में अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ वो भी बता दे। मेरा नहीं ख्याल है सियालकोट की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर अभी तक किसी ने वीडियो बनाई है, तो बड़ी देर से मुझे मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, मुझे गुस्सा इतना था इस चीज़ पे कि यार अभी शहर भी खोदना शुरू कर दिया, फिर मैंने कहा यार इस पे कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए। तो अधीर साहब की लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? बट सर मैं कहना चाहूँगा कि यार खुदा का वास्ता, अभी ये पाँच साल हो गए हैं, कम से कम इस चीज़ को भी तो ठीक कर दें। कोई हमारा आना जाना रोज़ का गुजरना यहाँ से होता है, हम लोग आसानी से गुजर सकें यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये सारा कुछ कम्प्लीट जल्दी होगा हमारी इस वीडियो के बाद। अगर कोई अच्छा काम होगा तो तारीफ करने भी सबसे पहले हम लोग निकलेंगे। तो बस आज के लिए इतना सा, थोड़ा सा आपको दिखाया, हो सकता है कोई हकाम तक हकामे बाला तक हमारी बात पहुंच जाए और इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।